नमस्कार दोस्तों, Drupal 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नया मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे जो कि है कि XML Sitemap। दोस्तों, XML Sitemap हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे ताकि जो हमारी वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो गूगल या बिंग या जितने भी सर्च इंजन होते हैं उसमें वो सबमिट हो सके ताकि हमारी जो वेबसाइट का जो SEO है वो इंक्रीज़ हो सके। मेन पर्पस इसका XML Sitemap का यही है कि एक Sitemap का जो आपकी पूरी वेबसाइट का जो एक लिंक होता है, जितने भी आप पेजेस बनाते हैं उसका एक लिंक होता है, तो जितने भी आपके Sitemap में जो भी आप लिंक सबमिट करना चाहते हैं अपने गूगल या बिंग किसी भी सर्च इंजन में और SEO पर्पस, तो उसके लिए हम ये XML Sitemap बनाएंगे जिसके थ्रू एक पेज क्रिएट होगा जिसमें वो साइट मैप के सारे लिंक्स जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग इसमें क्या क्या सबमिट कर सकते हैं, इसमें हम लोग कंटेंट नोड या टैक्सोनॉमी टर्म या मेनू टर्म या यूज़र की कोई प्रोफाइल, आप जो भी इसमें में से जो भी आप साइट मैप में सबमिट करवाना चाहते हैं वो आप सबमिट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपका Drupal 7 का वर्ज़न, हमारा Drupal 7 है तो हम लोग इसको डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में रख लेते हैं। अब इसको इनेबल करते हैं, तो आप डाउनलोड करके मॉड्यूल के फोल्डर में रख लीजिएगा। उसके बाद मॉड्यूल के पेज में चलते हैं। अब इसको यहाँ से हम लोग इनेबल करते हैं। देखिए, ये XML Sitemap ऐसे करके आएगा। उसके बाद कुछ इसमें सब मॉड्यूल हैं इसके, तो देख लेते हैं। जो इसका मेन पार्ट है वो XML Sitemap, अगर आपको सर्च इंजन में सबमिट करना है तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज है या एक से ज़्यादा लैंग्वेज में, तो आप I18N का मॉड्यूल जो ये मिसिंग है, क्योंकि अभी हम लोग एक ही लैंग्वेज में कर रहे हैं तो अभी इस तरीके से मिसिंग है मॉड्यूल। अगर आप मल्टी लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हैं अपना साइट मैप, तो आपको ये इंटरनलाइजेशन करके है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। हमें मेन्यू सबमिट करना है, नोट सबमिट करना है, इसको इनेबल कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म सबमिट करनी है, यूज़र की प्रोफाइल सबमिट करनी है। तो ये जितने भी हैं आपके मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल इसको हम इनेबल कर लेते हैं। सेव करिए, सेव कॉन्फ़िगरेशन में सेव करते हैं इसको। अब ये इनेबल हो जाएगा, देखते हैं नीचे। ये देखिए, इनेबल हो गया, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अभी जो हमारा साइट मैप का जो लिंक हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी वेबसाइट पे XML.XML करके एक फाइल आ गई, Sitemap.XML, अभी ये अपडेट नहीं है, नेवर है, ठीक है। सबसे पहले हमको इसको स्टार्ट करने से पहले इस पेज को हम पे तब मिलेगा ये, जब हम फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल किया मॉड्यूल, तो आपको सबसे पहले क्रॉन रन करना पड़ेगा। क्रॉन क्या करेगा, ऑटोमेटिक जितने भी ऐसे केसेस हैं जो साइट मैप में आने चाहिए वो ऑटोमेटिक XML.XML वाली फाइल में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट टैब में देखते हैं, ये तो लिस्ट का आपका टैब था। एक से ज़्यादा आप XML Sitemap यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन में चलते हैं, तो ये वो सर्च इंजन है जहाँ आप सबमिट करना चाहते हैं, या तो गूगल में करना चाहते हैं या तो बिंग में, या तो दोनों में करना चाहते हैं, तो दोनों सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। कोई कस्टम आपका URL है जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं, तो आप कस्टम URL डाल देंगे। पैटर्न आपको नीचे पता चल जाएगा किस तरीके से सेट करना है। सेव कर देते हैं, सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है मिनिमम साइट मैप लाइफ टाइम, ये आपको सेट करना पड़ेगा कि मिनिमम साइट मैप लाइफ टाइम क्या है। जैसे Drupal जो रिकमेंडेड कर रहा है आपको 1 डे, तो दोस्तों होगा क्या, जब हम उसमें 1 डे सेलेक्ट कर देंगे तो होगा कि जब भी आपका क्रॉन रन करेगा तो जितने भी आपकी वेबसाइट्स में लिंक्स हैं, अगर बाय चांस आपने कोई नए लिंक्स ऐड किए हैं, तो वो जैसे क्रॉन रन किया तो नए जो आपने लिंक ऐड किया वो XML वाली फाइल में ऐड हो जाएगा। अगर कुछ आपने लिंक्स अपडेट किए हैं तो अपडेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ लिंक्स डिलीट किए हैं अपनी वेबसाइट से तो वो डिलीट हो जाएंगे। तो वो ही लाइफ टाइम है यहाँ पर कि वो इतने समय बाद चेंज हो जाए, तो वो हमने यहाँ पर एक दिन सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है स्टाइल का, जो कि XML Sitemap जब आता है पेज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो उसमें स्टाइल शीट लग के आएगी, ठीक है। कुछ एडवांस सेटिंग है यहाँ पर,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ऐसे ही बिल्कुल रहने दीजिए, इसको टच मिच कीजिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सही है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानकारी चाहिए तो वो रख सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ साइट मैप लिंक्स एट प्रोसीड वंस, एक बार में कितने साइट लिंक प्रोसीड करें, ये सब लिंक है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर दोस्तों वो सेटिंग है कि आपको कौन कौन से चूज़ करने हैं, कि ये जैसे कि मीनू हो गया, कंटेंट हो गया, टेक्सोनॉमी हो गया, यूज़र हो गया। यहाँ पर आप प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप फ्रंट पेज पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटी हाई है क्योंकि होम पेज है हमारा, प्रायोरिटी हमेशा टॉप पे रहेगी। तो इसी तरीके से ये डेली फ्रिक्वेंसी भी आप सेट कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट करे, ये मतलब चेक करेगा। जैसे आप ऑलवेज कर दोगे तो ये हमेशा चेक करता रहे, आवरली चेक कर दोगे तो ये आवरली चेक करता रहे। तो इसी तरीके की ये फ्रिक्वेंसी होती है सेट करने की। तो अब प्रायोरिटी इसकी हाई है तो टॉप पे रहेगा, वो भी कैसे तो देख लेते हैं। इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं, रिबिल्ड लिंक पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो दोस्तों ये है रिबिल्ड लिंक। अभी हमें साइट मैप का लिंक जो है हमारा, जो हमारा पेज है वो हमको मिला नहीं है। अभी इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर मैन्युअली क्रॉन रन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप क्रॉन रन कीजिए। योर साइट मैप अप टू डेट डज नॉट नीड टू रिबिल्ड, ठीक है। हमारा साइट मैप अब क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये देखिए लास्ट अपडेट, ये टाइम आ गया। यहाँ पर एक लिंक है, एक पेज है, ठीक। अभी इसको आप रिबिल्ड भी कर लीजिए, ठीक है। फिर भी एक है, एक है। अब ये क्या करते हैं कि हम सेटिंग में चलते हैं और ऐड करते हैं कि हमें ऐड करना है। तो अब जैसे मेन मेनू है आपका, ये आपके सब मेन जो भी आपके वेबसाइट में मेनू है उनको जैसे आपको ऐड करना है, तो आप जब उसके पेज पे जाएंगे, मेनू के पेज पे जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा साइट मैप का। यहाँ पर क्या है, इंक्लूजन में आपको इंक्लूड करना है। इंक्लूड करके आपकी जो भी प्रायोरिटी आप सेट करना चाहें वो दे सकते हैं। हम यही डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ठीक है, सेट हो गया। उसके बाद कंटेंट में चलते हैं। इसी तरीके से आप बाकी मेनू भी अगर आप चाहते हैं कि मुझे साइट मैप लिंक में सबमिट करना है तो आप कर सकते हैं। हम जैसे आर्टिकल के पेज पे चलते हैं, तो आर्टिकल के लिंक पे जब जाएंगे आप दोस्तों, ये चीज़ यहाँ से भी पा सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर पे गए, कंटेंट टाइप पे गए और आर्टिकल पे गए, तो ये सेम डायरेक्टरी है। और यहाँ पर आपको नीचे साइट मैप का जब आप मॉड्यूल इनेबल करोगे तो मिल जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रायोरिटी है सेम रखते हैं, ठीक है। सेव कर दिया। अब दोस्तों बाकी हमारा क्या क्या बचा, टैक्सोनॉमी टर्म भी कर देते हैं, यूज़र कर देते हैं, ठीक है। ये यूज़र में आप नीचे आओगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। इसको आपको क्या इंक्लूड करना है, प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट करनी है किस हिसाब से आप साइट मैप सबमिट करना चाहते हैं। टैग्स को कर देते हैं इंक्लूड, प्रायोरिटी आप सेट कर दीजिए, सेव। अब दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा साइट मैप का लिंक था वो कहाँ है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारा साइट मैप का लिंक है और जो स्टाइल शीट इसमें ऐड हुई है वो इस तरीके से दिखेगी, थोड़ा सा CSS ऐड करके, इफेक्टिव मतलब यूज़र फ्रेंडली एक तरीके से, और कुछ नहीं। तो ये दोस्तों हमने अभी बाकी सब लिंक ऐड तो किए लेकिन यहाँ पर आए नहीं, तो आए नहीं वो इसलिए क्योंकि क्रॉन अभी रन हुआ नहीं, और रन नहीं हुआ तो ये अभी मॉडिफाई ही नहीं हुई। तो हम इसको मैन्युअली कर देते हैं वो कि रिबिल्ट लिंक में, ठीक है। रिबिल्ट लिंक कर दिया, आप चेक करते हैं कुछ इशू है, ये देखिए दोस्तों आ गया नंबर ऑफ साइट मैप्स 4 जो कि हमने ऐड किया। अभी हमने यूज़र प्रोफाइल ऐड की थी वो आ गई, अब आउटर सेट किया तो वो आ गया जो बेसिक पेज था। और ये हमने फ्रीक्वेंसी, आप अगर मंथली सेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्रायोरिटी आप उसके हिसाब से रख सकते हैं कि आपका सबसे पहले किसको आपको सबमिट करवाना है, आप इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो ये था पूरा साइट मैप का पार्ट कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में Drupal 7 में किस तरीके से एक साइट मैप का पेज बनाएं और उसको सर्च इंजन में सबमिट करें, और कौन से कस्टम URL सेट कर सकते हैं और कौन से
आप देना चाहते हैं कि टैक्सोनॉमी देना चाहते हैं या नोट देना चाहते हैं या जो भी आपकी वेबसाइट में जो भी SEO पर्पस या यूज़र को जो आपको दिखाना है वो आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से अगर दोस्तों आपको अगर कोई इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट छोड़िएगा, हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।